बिहार सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना रहता तो 8 साल से एम्स को लटकाने अटकाने भटकाने का काम नहीं कर। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए बड़ी खबर राजधानी पटना से हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी के और मिथिलांचल से आने वाले कई सांसद और विधायक राजभवन पहुंच गए हैं। देखिए अपने काफिलों के साथ, मिथिलांचल के लोगों के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ श्री नीतीश कुमार की शिकायत करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। कयास ये है कि दरभंगा एम्स का मामला बढ़ता जा रहा है और उसी एम्स के मामले को लेकर इन लोगों के प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंची है राजभवन। अब दरभंगा एम्स का मामला जो है वो राजभवन तक पहुंच गया है। हमने सांसद गोपाल जी ठाकुर से बातचीत की है, बातचीत में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाए हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं और मिथिलांचल के लोगों को कितना फायदा होगा, एम्स अगर बनता है दरभंगा में तो कितना फायदा अन्य राज्यों के लोगों को भी होगा बता रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनो, दरभंगा एम्स का मामला सर पहुंच चुका है, अंदर में क्या कुछ बातें हुई राज्यपाल महोदय से? महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हम लोगों को समय दिया और हम लोगों की बातों को सुना धैर्यपूर्वक। हम लोगों ने रखा है जो महामहिम राज्यपाल जी यहां पर दरभंगा में एम्स का निर्माण के लिए बिहार सरकार से तिथि दिलवावे और एम्स का निर्माण करवा। सर आप सांसद है वहां से, क्या लगता है अगर दरभंगा एम्स बनती है तो कौन कौन से अलग अलग राज्यों के भी लोग आकर? उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी दरभंगा एम्स से लाभ लेने वाला है, पश्चिम बंगाल के 6 जिला, नेपाल के 14 जिला और सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा में प्रेस करके कहे थे तो मेरा भी निकट का एम्स यही होगा दरभंगा। लगभग 15 करोड़ आबादी उससे लाभान्वित। क्या बिहार सरकार डर रही है क्या कहीं उनको क्रेडिट? बिहार सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना रहता तो 8 साल से एम्स को लटकाने अटकाने भटकाने का काम नहीं कर। मिथिलांचल के लोगों के साथ क्या कुछ आगे का निर्णय होगा? मिथिला के लोग आज आकर के अपना विषय को रखने का काम किया है, 15 दिन हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद चरणबद्ध हम लोगों का चलेगा। अगर शिलान्यास हो जाता है, अगर शंखनाद हो जाता है तो क्या पीएम मोदी आएंगे बिहार इसका विधिवत करने के लिए, काम करने के लिए? जब जमीन ही उपयुक्त दे देंगे तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उसका शिलान्यास करने जल्द आएंगे। चलिए तो विवाद खत्म होगा तो पीएम मोदी भी बिहार आ सकते हैं। और देखिए राजभवन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार बीजेपी के कई सांसद और विधायक जो मिथिलांचल से आते हैं वो राजभवन में मुलाकात करने के लिए और सीएम नीतीश की शिकायत करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए दरभंगा एम्स का मामला हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है, जमीन को लेकर विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है। एक तरफ दरभंगा के लोग कह रहे हैं कि हमें एम्स चाहिए, बिहार बीजेपी के लोग जो हैं वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने सांसद गोपाल जी ठाकुर से बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपने सुना है। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता राजभवन पहुंचे सीएम नीतीश की शिकायत करने के लिए और अब महागठबंधन के लोग किस तरीके से इस विवाद को देखते हैं, क्या विवाद और बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।